कोरोना बीमारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं और जनमानस भी आगे आए हैं। इसी के चलते जिला उपायुक्त कार्यालय में रोजाना लाखों रुपए में लोग अपनी स्वेच्छा से राशि जमा करवा रहे हैं। कोरोना बीमारी से बचाव के लिए जिला परिषद हमीरपुर ने भी पहल करते हुए 5 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई है, तो जिला के 17 जिला परिषद सदस्यों ने अपने एक एक महीने का वेतन भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेजा है, ताकि आपदा की घड़ी में लोगों की मदद की जा सके। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने भी आपदा की घड़ी में लोगों के सहयोग पर आभार व्यक्त किया है। राहत राशि देने के बाद जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने कहा कि कोरोना बीमारी में लोगों के सहयोग के लिए जिला परिषद सदस्य भी सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में जिला परिषद के माध्यम से 5 लाख रुपये उपायुक्त के राहत कोष में दिया गया है और इससे पहले भी 1 माह का वेतन सभी जिला परिषद सदस्यों ने दान किया है। कोविड-19 में देश के सभी चिकित्सकों को, जिला प्रशासन को, मीडिया के हमारे पत्रकार भाइयों को, सफाई कर्मचारियों को व पुलिस प्रशासन को इस आपदा की घड़ी में जिस तरह से वो इस काम में लगे हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं। तथा आज हमने जिला परिषद के माध्यम से 5वें वित्त आयोग के तहत जो हमें पैसा प्राप्त हुआ था, उसमें हमने कुछ पैसा रिजर्व रखा हुआ था, उसके तहत ही आज हमने कोविड-19 के लिए जिलाधीश महोदय को हमीरपुर राहत कोष में 5 लाख रुपया दिया, जिसके कारण हमारे ज़िला में जितने भी प्रवासी मजदूर या गरीबी रेखा से नीचे जो लोग परिवार रहते हैं वो भूखे ना रहें, उसी के तहत इस कड़ी में हमने ये 5 लाख रुपया आज कोविड-19 के लिए दिया है। अपने स्तर पर भी जो हमारे क्षेत्र में जैसे प्रवासी रहते हैं या गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनको हम अपने तहत भी कई तरह की हम उनको सहायता सामग्री दे रहे हैं, जैसे राशन है या कई तरह से पैसे दे रहे हैं। और इसके अलावा हमने अपना जो एक महीने का मानदेय था वो प्रधानमंत्री राहत कोष में भी दिया है जिला परिषद के सभी सदस्यों ने। वहीं उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने भी आपदा की घड़ी में लोगों के सहयोग पर आभार जताया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला के सभी पदाधिकारी बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी बीमारी से बचा जा सकेगा। सारे सब डिविजन अच्छा मैनेज कर रहे हैं और मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी प्रधानों ने भी, क्योंकि हमारे पंचायत लेवल की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटियाँ बनी हुई हैं, उसमें मेंबर्स है, सेक्रेटरी और हमारे रेवेन्यू की टीम भी है, पटवारी कानून को तहसीलदार, तो हम सिस्टमेटिक ढंग से बन के और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हम लोगों का सहयोग भी ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा माहौल है जहाँ हम लोग नहीं चाहते हैं कि कर्फ्यू का वायलेशन करके लोग रोड पे आए और जो बेसिक पर्पज डिफीट हो कि उनमें से कोई वन जगह से दूसरी जगह कैरियर हो वायरस का। अभी हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन नहीं है, मेरे को लगता है मतलब 2-5% लोगों के जो जेन्युइन केसेस है, किसी को कैंसर है, कीमोथेरेपी कराने जाना है, किडनी डायलिसिस वाला है जो यहाँ नहीं हो सकता, बाहर जाना है, वो जो डेली वाला अस्पताल में इमरजेंसी केस है वो तो आ ही रहे हैं, उसको तो हम डेली पास कर ही देते हैं, वो इश्यू नहीं है, टेलीफोनिकली भी हो जाता है। उसमें जिसको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है वो तो टेलीफोन का भी वेट नहीं करेगा। हम उस चीज़ को भी कंसिडरेशन दे रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, जाना है हॉस्पिटल, तो वो हम सारा ध्यान रख रहे हैं। और हमारे जिला में जो एसपी साहब भी इस चीज़ में हम लोग बैठते हैं और किस तरह से किस चीज़ को कैसे डील करना है, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो कर्फ्यू का लोग, मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सभी हमीरपुर वासियों की, सभी मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं सभी जगह घूम के हम लोग कर्फ्यू रिलैक्सेशन पीरियड में देखते हैं तो काफ़ी हद तक इसका फॉलो करते हैं।